लगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। शांति, ओम शांति। आज की ज्ञान मुरली की तारीख है 20/5/11 और आज का ज्ञान मुरली का हेडिंग, हाँ, मीठे मीठे विदेही बाप आए हैं हम बच्चों को आप समान बनाने, तो इसीलिए बार 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 मीठे विदेही बाबा हमें यही पाठ पक्का कराते हैं। तो आज भी मुरली के अंदर वही पाठ पक्का करा रहे हैं और पाठ पक्का कराते हुए बीच बीच में बाबा हमें स्वयं की चेकिंग करना भी सिखलाते हैं। अब चेकिंग करने के लिए स्वयं स्वयं को प्रश्न पूछें। अब क्या प्रश्न पूछें? देखो मीठे मीठे बाबा ये भी सिखलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं चेकिंग की। तो मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है? प्रश्न पूछने का, विचार सागर मंथन करने का, स्वयं के चार्ट पे नज़र दौड़ाने की, तो उससे अपने को जवाब भी अपना मिलेगा। तो बाबा कहते हैं स्वयं को पूछो। फिर आज का प्रश्न भी वही है, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन का पालन करते हैं? अब उत्तर बाबा दे रहे हैं, देखो क्या दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा का बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव, तुम सब आत्माएं कौन हो, फीमेल हो या मेल हो? यस, हम सब आत्माएं। तो बाबा कहते तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहें, यही ऊंची मंजिल है। तो श्रीमत भी बाबा ने दी कि क्या करो। अच्छा, गीत तो सब ने सुना हुआ भी होगा और बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। तुम जानते हो कि वर्षा हमको किससे मिलता है? हाँ, शिव बाबा से मिलता है। तो तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। अब शिव बाबा तो है बिंदी, हाँ, हम सभी जानते हैं कि वह तो एक ज्योति बिंदु है, वह भी कोई द्वारा ही तो समझाएगा ना। अगर बाबा को, शिव बाबा को हमें कोई बात समझानी है तो कैसे समझाएगा? प्रकृति का आधार तो लेना पड़े, शरीर का आधार लेना पड़े, तो जरूर किसके द्वारा ही तो समझाएगा? तो प्रजापिता ब्रह्मा, हाँ, जिसके द्वारा समझाते हैं वो है प्रजापिता ब्रह्मा, तो जरूर वो यहाँ होगा। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में और फिर अंत में पतित शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। धारणा के लिए देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है, यही तो मेहनत है। हाँ, देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है और यही ऊंची मंजिल है। ऊंची हमारी मंजिल भी ये है, इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरी धारणा बता रहे हैं कि जिन्न बनकर याद की यात्रा करनी है। हाँ, तो एक वो कहते हैं ना जादू का दिया, तो जादू का दिया जब घिसते हैं तो एक जिन्न पैदा होता है। तो वो जिन्न की कहानी में क्या है कि वो जैसे ही पैदा होता है तुरंत वो कहता है कि मुझे काम दो, अगर काम नहीं दिया
तो कहता है मैं आपको खाता हूँ, इसीलिए काम दो। तो अभी उसको क्या काम देने का, तो फिर सोच सोच करके जो जिस व्यक्ति ने जिन को दिया घस के बुलाया, तो उसने आखिर ये काम दिया उसको, एक सीढ़ी थी, कहा ये सीढ़ी पर चढ़ो और उतरो। जब तक वो उसको दूसरा काम दे तब तक उसको बोला तू सीढ़ी पर चढ़ो और उतर, चढ़ो और उतरो। तो मीठे मीठे बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं देखो, कि जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघ्न डाले लेकिन मुख में मुलहड़ा डाल देना है, माया से तंग नहीं होना है, एक की याद में रहकर तूफान हटा देना है। माना याद में ऊपर चढ़ जाना है फिर नीचे आना है, जैसे माया तंग करने आवे ऊपर चले जावे, जैसे माया विघ्न डाले हम ऊपर चले जावे फिर हम वापस नीचे आ जावे। अगर माया गुस्सा करा कर हमारी वाचा से कोई पाप कराना चाहे तो बाबा कहते जट मुंह में क्या करो, एक ऐसा साधन जिसको मुलहड़ा कहते हैं, बाबा कहते वो मुख में डाल दो, तो बोल ही नहीं सकेंगे, ऑटोमेटिकली शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, मौन में रहेंगे, तो क्या होगा, शांति हमको बाप की याद दिलाएगी, घर की याद दिलाएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे मुख में मुलहड़ा डाल दो। अच्छा वरदान है आज का, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव। जैसे बाप लोन लेता है बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो, जब चाहे जैसे चाहे वैसे अपने संस्कार बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है ऐसे निर्बंधन बनो, मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो, अपने को अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। तो देखो बाबा ने बाप समान हमको बनने की, अर्थात स्वयं भगवान ने आप समान बनने की हमको कितनी सारी बातें बताई, तो वो आया है हम बच्चों को आप समान बनाने, और वो बना कर ही छोड़ेंगे, तो इसीलिए हमें अपने पर मेहनत करके बाप समान बनाना है। स्लोगन है याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों का रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।